हाय फ्रेंड, वेलकम इन मैकेनिकल एंड फैब्रिकेशन चैनल 786। तो दोस्तों, आज की ड्राइंग के अंदर मैं आपको स्ट्रक्चर की ड्राइंग जो आपके सामने नज़र आ रही है, इसके ऊपर हम लोगों ने किस तरीके से काम किया है, तो इसका जो विजुअली है वो भी मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो हम लोगों ने इस तरीके से इसके ऊपर काम किया है, तो इस तरीके से ये पोर्शन वाइज हम लोगों ने इस ड्राइंग को तैयार किया है। तो इस ड्राइंग के ऊपर काम करने के लिए सबसे पहले हमको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। सबसे पहले तो डिमेंशनें जो हैं वो तो हमारे पास आ रही हैं, जैसे कि ये 545 और 795 डिमेंशन आ रही हैं। ये तो अलग की बात है कि डिमेंशन वाइज हम लोग इसको फैब्रिकेट कर लेंगे, बना लेंगे, लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि इसमें बेंडिंग जॉब भी आ रहा है, और इसमें हम लोगों ने बनाना क्या क्या है, इन चीज़ों की हमें समझ लेनी पड़ेगी कि हम लोग किस तरीके से इस ड्राइंग के ऊपर काम करेंगे और इसको स्टडी करने का तरीकाकार क्या होना चाहिए। तो स्टडी करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले हम लोग, जैसे कि आपको ये साइड के ऊपर शो हो रहा है ये वाला और ये वाला, ये एंगल, दो एंगल हम लोग सबसे पहले तैयार करेंगे। तो अगर इन एंगल की डिटेल कहाँ पे है तो वो मैं आपको इसकी डिटेल के ऊपर भी लेके जाऊंगा बाद में, लेकिन इसको हम लोग तैयार कितने पोर्शन में करेंगे, तो हम लोग इसको अगर देखा जाए तो बेसिकली ये तीन पोर्शन के अंदर तैयार हो रहा है। तो फर्स्ट पोर्शन जो इसका आ रहा है वो ये टॉप वाला पोर्शन आ रहा है, ये वाला टॉप वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन लगाएँगे, सही है। उसके बाद ये वाला पोर्शन आ रहा है इसका, और इसके बाद ये वाला पोर्शन आ रहा है, और इस तरीके से ये एक बहुत बड़ा सा एक डोर तैयार हो रहा है हमारा। तो हम लोग इस डोर की फैब्रिकेशन करेंगे। बाकी जो इसकी डिमेंशन है वो साइड के ऊपर शो की गई हुई हैं, तो वो हम लोग इस तरीके से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये 545 इधर से लेकर ये एंगल से इधर इस पोर्शन से लेकर यहाँ तक 545 है, और ये इस तरीके से जाता हुआ कहाँ तक 545 हो रहा है, ये हो रहा है 1675 तक 545 हो रहा है, और 625 जो ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे ये 797 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग 797 का पूरा पीस लेंगे सबसे पहले, तो 797 के ऊपर हम लोग इसकी यहाँ पे मार्किंग करेंगे, और मार्क करके इसको यूँ ये वाला पोर्शन तैयार करेंगे और ये वाला पोर्शन तैयार करेंगे। लेकिन ये पोर्शन तैयार करने से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि ये डोर है तो इसके अंदर मटेरियल कौन सा यूज़ हो रहा है, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो इसके अंदर ये देखें ना, ये हाईलाइट करके भी शो किया गया है कि इसके अंदर हिंग का इस्तेमाल हो रहा है। हिंग कब्जे को बोलते हैं वैसे आमतौर के ऊपर, रूटीन के ऊपर, तो हिंग इधर यूज़ हो रही है, और इस तरीके से इसके अंदर हिंग्स का इस्तेमाल हो रहा है दोनों साइड्स के ऊपर। और इधर के ये एक ओपनिंग इसके अंदर दी गई है, और हम लोग इसको फैब्रिकेट किस तरीके से करेंगे और बनाएंगे किस तरीके से, वीडियो आपने देखी हुई है थोड़ी सी मैंने जो आपको दिखाई है, बाकी इसको अभी मैं फैब्रिकेट करने का प्रोसीजर आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इसमें पोर्शन वाइज ही दिखाया जाता है, पूरा पूरा को शो नहीं किया जाता। तो जैसा कि ये नज़र आ रहा है आपको, ये एक एंगल है, तो ये एंगल के ऊपर हम लोग ये टॉप वाला पोर्शन दिखाया जा रहा है। तो इसके ऊपर क्या है कि ये एंगल कितने का यूज़ हो रहा है, एल 15/15/T1.6SA, यानी कि ये एंगल के मटेरियल के बारे में बताया जा रहा है। 1.6 इसकी थिकनेस आ गई, एस का मतलब हो गया शीट, और ए से मतलब हो गया एलुमिनाइज, यानी कि एलुमिनाइज का ये एंगल यूज़ हो रहा है। और इस जगह के ऊपर एक अलहदा से शीट यूज़ हो रही है एस ए की 1.2 की, सीधी सीधी प्लेट यूज़ हो रही है टॉप पोर्शन के ऊपर। तो अगर हम लोग इस जगह के ऊपर आएँ, दोबारा ड्राइंग के ऊपर आते हैं, तो ये जो टॉप वाला पोर्शन है ये किसका 1.6 का यूज़ हो रहा है, और इसके अंदर ये एक ओपनिंग आ रही है जिसकी डिमेंशन है, जो ओपनिंग की डिमेंशन है वो ये दी जा रही है, और इधर दोनों साइड के ऊपर इनकी ओपनिंग की डिमेंशन दी जा रही है। और ये अगर देखा जाए तो 2400 इसकी क्या आ गई, चौड़ाई आ गई ओपनिंग की, और ओपनिंग कितने की बन रही है, 200 की, यानी कि 200 की ओपनिंग आ रही है, 548 एक साइड के ऊपर छोड़ कर और दूसरी साइड के ऊपर छोड़ के ये आगे, और इसमें 1.5 mm का गैप वगैरह आ रहा है। और इसके जो साइड के ऊपर एंगल यूज़ हो रहा है ये कितने का, 50 mm का, जैसा कि आपको दिखाया है मैंने। और जो नेक्स्ट ये वाला जो पोर्शन है इसको अगर हम लोग देखें गौर के साथ, तो इसमें ये वाली जो साइड है, इस साइड के ऊपर जो बैंडिंग दिखाई जा रही है, तो ये शार्प एजेस को ख़त्म करने के लिए 20 mm की बैंडिंग, और एंगल के साथ जो बैंडिंग हमारी शो की जा रही है ये 50 mm की। तो ये कैसे, इसके पोर्शन के ऊपर लेकर चलता हूँ, ये देखें, ये टॉप वाले पोर्शन के ऊपर 50 mm की बैंडिंग आ रही है, और ये कितने की, 20 mm की बैंडिंग शार्प एजेस को ख़त्म करने की, और बीच में 5 mm का गैप आ रहा है, और आगे 2400 डाउन जा रहा है ये। तो इस तरीके से हम लोग टॉप साइड के ऊपर हम लोग कितने का देंगे बैंड, 15 mm का बैंड देंगे, यानी कि ये क्लियर हुआ कि इसकी जो एंगल वाली साइड है
उसके ऊपर 50 mm का बैंड आ रहा है। अगर हम लोग इसी के दोबारा ड्राइंग के ऊपर लेके चलता हूँ आपको, तो ड्राइंग के ऊपर दोबारा से आते हैं और अगर हम लोग इस पोर्शन की बैंडिंग की बात करें कि इस पोर्शन के ऊपर कौन सा बैंड आएगा इस साइड के ऊपर, तो इसके बैंडिंग के ऊपर चलते हैं सबसे पहले। तो इस पोर्शन के ऊपर आई तो ये वही एल एंगल जो हम लोगों को नज़र आ रहा था, ये वही एंगल आ गया कितने का, एल 50/50/1.6 ऐसे का। और इसके सामने जो शीट आ रही है ये वाली, ये बैंड दे के शो की जा रही है कितने की, ये 50 का ही बैंड इधर आ रहा है 5 mm का गैप देकर। और इसको ये देखें, इधर भी वो बोल रहा है कि इधर इसको बैंड दें हम लोग, तो कितने का बैंड, 20 का बैंड, ताकि शार्प एजेस जो हैं वो इसके ख़त्म हो जाएँ। 545 इसकी जो ये वाली लेंथ है ये कितनी आ रही है, 545 सही है। और ये इसकी केसिंग करके शो की जा रही है इसको कि ये केसिंग के साथ इसका फिटअप होगा, और जो फिटअप जब हो जाएगा केसिंग के साथ तो उसकी अलहदा से वेल्डिंग की डिटेल भी है कि हम लोग उसकी किस तरीके से इसकी वेल्डिंग करेंगे। दोबारा हम लोग इसकी ड्राइंग के ऊपर आ गए हैं, ये देखें तो इस तरीके से ये वाला पोर्शन तैयार होगा। तो अगर ये देखें 545 वही लेंथ जिस तरीके से वो बता रहा है, और ये वाला पोर्शन है इसके ऊपर बैंडिंग आ रही है। अगर आप लोग इसको गौर से देखेंगे तो छोटे छोटे पॉइंट आपको हाईलाइट होते हुए निकलेंगे। और जो टॉप वाले बोल्ट हैं, ये वाले बोल्ट जिधर हम लोग ये वाले पोर्शन लगा रहे हैं, ये वाले बोल्ट्स गौर से देखें, ये बोल्ट शो किए जा रहे हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी ड्राइंग है, इनको समझने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम दरकार होता है, लेकिन हम लोग तो इसकी रूटीन वाइज हो गए हैं इसलिए हम लोग इसको जल्दी जल्दी करते हैं। तो ये पहला बोल्ट जो आ रहा है ये 100 mm छोड़ के आ रहा है सेंटर के अंदर बोल्ट एंगल के, और दूसरा जो आ रहा है वो 240 के ऊपर आके ख़त्म हो रहा है। तो इस तरीके से ये वाली जो शीट है 3600 की, यानी कि हमारा जो पूरा डोर है इसकी जो 3600 है वो क्या आएगी, इसकी चौड़ाई और ये वाले जो पोर्शन है ये दोनों अलहदा अलहदा तैयार हो जाएंगे जैसे मैंने बताया। और लोग इसके ये वाले जो छोटे छोटे नट आपको इसके अंदर नज़र आ रहे हैं, ये इसके स्लाइड बोल्ट वगैरह और ये हिंग्स वगैरह हमें नज़र आ रहे हैं इसके अंदर। तो अगर इन हिंग्स की बात करें हम लोग तो इनकी डिटेल हमें कहाँ मिलेगी, और हम लोग किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे इनको, इधर फैब्रिकेट करेंगे। तो ये देखें डाउन साइड के ऊपर हम लोग 200 mm छोड़ के पहला हिंग लगाएंगे, उसके बाद 950 के ऊपर दूसरा आगे वाला लगाएंगे, और उससे आगे वाला फिर 200 के ऊपर रह जाएगा 950 के बाद। और अगर इसकी डिटेल की बात करें लगेगा कैसे और स्लाइड बोल्ट किस तरीके से लगेगा, तो चलो उसके ऊपर चलते हैं। तो ये देखें ये इसका हिंग आ गया, तो ये पहला जो है वो 60 mm का हिंग है, वो हम लोग दोनों के सेंटर में यानी कि 5 mm गैप जो मैंने बताया था देकर ये वाला हिंग इंस्टॉल करेंगे। और इसके टॉप के ऊपर 150 के ऊपर जो इसका साइड बोल्ट आ रहा है ये वाला, ये भी इसको भी हिंग बोलते हैं, तो ये वाला कुंडी जिसको बोलते हैं कुंडी लगा देंगे ताकि डोर की जो मूविंग वगैरह है वो हमारे साथ क्लियर होती हुई निकले। इस तरीके से हम लोग इस पोर्शन को तैयार करेंगे। मज़ीद जो है वो प्रैक्टिकली आपको शेयर कर दिया गया है, बता दिया गया है इसके बारे में सारा। तो उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग्स जो हैं स्ट्रक्चर की समझना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा। अगर आपको कोई इशू नज़र आए तो मुझे ज़रूर हाईलाइट कीजिएगा, जिन ड्राइंगों की आपको समझ नहीं आ रही मुझे लाजमी बताइएगा ताकि मैं उनका कोई प्रॉपर हल आपके लिए ढूँढूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।